हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए SBI बैंक के शेयर की, मतलब समझ सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कैप की वजह से। समझ सकते हो फ्रेंड्स, SBI बैंक, आज हर बैंक इसमें मर्ज होना चाहता है और कोई भी बैंकिंग डिसीजन हो SBI बैंक के थ्रू जाता है, इंडिया की वन ऑफ द टॉप नंबर वन बैंकिंग सिस्टम में। सकते हो फ्रेंड्स, वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो भी आज हम फुल एनालिसिस करेंगे डीप इंडिकेटर्स के द्वारा। आज हम लगाएंगे RSI, VWAP, MACD और बोलिगर वैन, सभी इंडिकेटर्स का यूज करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे नई नई लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सीधा शेयर के एनालिसिस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी में रहने वाला शेयर, मतलब इंट्राडे वालों के लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शेयर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, 186 रुपये की रेंज में रहने वाला शेयर आज इसमें 1% का लगभग डाउन रहा था। अगर आज के दिन की बात करें तो 185 से लेके 189 के बीच में रहने वाला शेयर। अगर पिछले एक साल के शेयर की बात करें तो 374 रुपये के हाई से 174 रुपये के लो तक, मतलब 200 रुपये की वोलेटिलिटी रखने वाला है ये शेयर। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट, वो भी चीपेस्ट प्राइस। और 5 मिनट में अभी अपना डीमैट अकाउंट स्टार्ट कीजिए मार्केट के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर। चलते फ्रेंड्स शेयर के एनालिसिस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट कैप 166,711.74 करोड़ का। स्टॉक के PE की बात करें तो 14.19 का, PB की बात करें तो 0.8 का। स्टॉक की PE फेस वैल्यू थी 1 रुपये। डिविडेंड यील्ड इसने अभी तक 0% पे रखा है। बुक वैल्यू स्टॉक की 232.91 रुपये। कासा रेशियो है 44.57%, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, इसमें प्लस पॉइंट लगा मुझे। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 88,348.88 करोड़ रुपये। कॉस्ट ऑफ इनकम की बात करें तो 55.70%। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 57.68%, जो कि सेकंड बेस्ट देंगे इसमें। EPS की बात करें तो 13.16%। कार रेशियो की बात करें 12.85% का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो देखें तो 0.44% का। ROCE है 2.75% का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 113.17 का। देखते फ्रेंड्स कुछ और रेशियोज़। ये देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो 0.44% एक साल के लिए, फिर 1.23 तीन सालों का, और 5 सालों का बात करें तो 4.32%। ROA का ग्राफ आप देख सकते हो, स्टॉक के नेट NPA का भी ग्राफ और पॉइंट्स आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 3.01, 4.15 और 3.68%, जो कि काफ़ी है बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से। NIM का ग्राफ देख सकते हो। कार रेशियो देखिए फ्रेंड्स, 12.85%। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज 4.66%, जो कि फिर से काफ़ी है इसके लिए। पैग रेशियो जो कि 0.13% का। एडवांस ग्रोथ है 12.97%। चलते फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रमोटर्स के 57.8% के शेयर, DII के पास है 24.56 के शेयर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है 10.98% की इन्वेस्टिंग, और पब्लिक के पास है 6.78%। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इसमें से निकल के आता है प्रमोटर्स के शेयर, जो कि 40-50% से भी अप है, वो भी बैंकिंग सेक्टर के, SBI जैसे बैंक के शेयर के। DII के भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की 8-10% से भी अप की इन्वेस्टमेंट, मतलब कि श्योर फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत सॉलिड है। देखिए फ्रेंड्स, वन डे का कैंडल लगाया हुआ है विद VWAP इंडिकेटर प्लस वॉल्यूम प्लस MACD इंडिकेटर के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, 189 की रेंज में प्राइस मूव कर रहा है। अगर इसके स्ट्रॉन्ग लेवल्स को देखना जाए तो वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स कितनी हाई ट्रेड हो रही है इन दिनों। कंटिन्यू पर डे की वॉल्यूम कैंडल देखिए फ्रेंड्स कितनी हाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, MACD ने क्लियर सिग्नल दे दिया था यहाँ। नो डाउट फ्रेंड्स, 320 का जो इसका लेवल निकल के आ रहा है, बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड, मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अभी बेस्ट टाइम चल रहा है, कुछ परचेज किया जा सकता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, चार्ट है 15 मिनट का, स्पेशल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। देखिए इंडिकेटर लग रहे हैं इसमें VWAP प्लस MACD प्लस वॉल्यूम। अगर इंट्राडे की वॉल्यूम करें हर 15 मिनट में तो लगभग एक एवरेज सा मूव चल रहा है।
जो इसके लेवल निकल के आते हैं 189 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस निकल के आता है, अगर उसे ब्रेक करेगा तो फिर ये कंटिन्यू आपकी तरफ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स एक और इंडिकेटर को यूज लेते हैं, बुलिंगर वैन को। अगर इसको यूज़ लेते हैं इस इंडिकेटर से, हमें ये निकल के आता है कि 186 का लो जो इस शेयर का बन रहा है वो इसका ऑलमोस्ट लो है, इसे ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। और ये अब अगर बनाता है तो ये बना सकता है 189 या 190 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 3% इंट्राडे में, बहुत ही बेटर रिजल्ट निकल के आता है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स को यूज़ लेने का यही बेटर निकल के आता है रिजल्ट कि हम उस शेयर के लिए 2 से 3% इंट्राडे में आराम से कमाई कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव, जहाँ पर कंपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है कंपनी का कासा रेशियो, जो कि 44.57% का अपने टोटल डिपॉजिट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है। चलते हैं कंपनी के लो पॉइंट, कंपनी कुछ लिमिटेशंस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी का रेशियो है 1.23% पिछले 3 सालों का, जो कि काफ़ी पुअर है। अगर इस बैंक के सेक्टर के हिसाब से इसके एनपीए की कंपैरिजन करें तो पिछले 3 सालों का 4.15%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसके हिसाब से। कंपनी का कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो की बात करें तो 55.70%, जो कि काफ़ी हाई है। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 3 सालों का, जो कि माइनस का 55.75%, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुअर है इसके हिसाब से। वक्त तो चला है फ्रेंड्स आज की प्रो टिप का, अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट, बाइंग लेवल और बेस्ट सेलिंग लेवल आपको कंटिन्यू मिलते रहे। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, वोडाफोन आइडिया शेयर, अगर इनके वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े, डायरेक्ट जाइए और अभी उनके बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल को आप देख सकते हो, वो भी बेस्ट इंडिकेटर्स के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म में शेयर के लिए बात करें तो शेयर अपने 52 वीक के लो की ऑलमोस्ट करीब है, मतलब कुछ ख़रीदारी इसमें अभी की जा सकती है, क्योंकि अगर ये हाई बनाता है तो श्योर फ्रेंड्स से 320 के हाई तक अब जा सकता है। इंट्राडे में नो डाउट बैंड्स की मदद से, इंडिकेटर्स की मदद से पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हो किसी पर्टिकुलर शेयर को एनालिसिस कराना तो अभी कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।